दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वारदा बेग ने देश का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि देश का नाम रोशन हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम रोशन हुआ है। इसके साथ साथ इनके घर वालों का, इनका खुद का नाम रोशन हुआ है, जिसके वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप यूट्यूब पे देश के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म पे इनकी कहानी किससे सुन रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ किया है, BLLB किया है और BLLB करने के बाद इनको दुनिया से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आ रहे हैं, जिसमें से अभी ऑफ़र आया है, इनका ऑफ़र आया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। आपको पता ही है UK USA कितने ताकतवर कंट्री है और वहाँ से ऑफ़र आना वारदा बेग के लिए एक बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से रेस्पेक्ट उन्होंने शो किया है। और रिस्पेक्ट इसलिए शो किया है कि वारदा बेग ऐसे टैलेंटेड लड़की हैं, ऐसे टैलेंटेड गर्ल है, ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट है कि कोई भी अपने यूनिवर्सिटी में इनको लेना चाहेगा। तो कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप से नवाजा गया है और लंदन यूनिवर्सिटी से ये मास्टर डिग्री करेंगे। वहाँ पे इनको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इसके साथ साथ इनके सिर्फ लंदन यूनिवर्सिटी से ऑफ़र नहीं आया, देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से इनको ऑफ़र आया है, जैसे स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से इनको ऑफ़र आया है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से ऑफ़र आया है, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ऑफ़र आया है, इसके अलावा और भी कई जगहों से आया है जिसको मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाया। इसके साथ साथ शी वॉज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रेस्टिजियस फुल्ली फंडेड शेवनिंग स्कॉलरशिप अवार्डेड बाई UK गवर्नमेंट FCDO। तो दोस्तों कितनी खुशी की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ने वाले चांद पे भी कमाल कर रहे हैं, देश की धरती पे भी कमाल कर रहे हैं और विदेश के धरती पे भी कमाल कर रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं, देश में भी धमाल कर रहे हैं और देश नहीं विदेश में भी कर रहे हैं और चांद पे भी। चंद्रयान 3 गया है तो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट AMU के जो पढ़े लिखे थे वो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट किए हैं देश की तरक्की में। यानी चंद्रयान 3 भेजने में AMU के स्टूडेंट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो AMU भी प्राउड फील कर रहा था, जामिया मिलिया इस्लामिया भी प्राउड फील कर रहा था, देश के और कई अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि हमारे यहाँ से ये बच्चे पढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट की कहानी बताऊंगा जिससे आपको भी पढ़ाई करने को मन करेगा और ऐसे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मन करेगा और पढ़ाई पे विश्वास आएगा कि पढ़ लिख के, बहुत लोग कहेंगे अरे पढ़ने से क्या होता है, देखो ना बेरोजगार लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़ के, इससे अच्छा तो नहीं पढ़े लिखे लोग नेता है, बिजनेसमैन है, ये है वो है। ये निगेटिव शब्द है लेकिन अच्छी शब्द है कि ज़्यादातर हर कंपनी में 99% जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अंबानी अडानी जितनी भी बड़ी कंपनी में 99% वहाँ के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, वो सारे पढ़े लिखे ही है। तो पढ़े लिखे वालों को ही कदर है, इल्म लेने वालों की कदर है, ज्ञान लेने वालों की कदर है। तो ये झांसे वाले शब्द में नहीं आएगा कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, पढ़ लिख के ये चीज़ बनते हैं कि आपका वीडियो मैं बनाता हूँ और ये वीडियो पूरी दुनिया में देखी जाती है। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छा व्यवहार पर रहिए, मिलजुल के रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, आपकी तरक्की आने वाले समय में बिल्कुल गारंटेड है।